हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने आज हमको बनाना है पॉपिट। जी हाँ, पॉपिट। आपने सही सुना गाइस, पॉपिट बनाना है आज हमको, वो भी लेगो के सीनियर आर्किटेक्ट से, पीकॉक के सीनियर आर्किटेक्ट से। आज हम लोग पॉपिट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट तीन में उसको डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट वन में आपको ये चीज़ें चाहिए। ये सबसे पहले सबसे छोटा बेस जो पीकॉक के इसमें आता है, जो कि 4x4 डॉट्स का है, 4x4 का है ये बेस। और उसके बाद हम लेंगे ये 6 ब्लॉक्स जो कि है 2x2 के, ठीक है। तो ये है ब्लॉक्स, तो इसे हमने लगाना है इसके बाउंड्री पे। इसके बाउंड्री पे ऐसे लगाते जाना है हमें, इस तरीके से लगाते जाना है बाउंड्री पे इसके, इस तरीके से पूरा आपको बाउंड्री पे लगाना है। फिर मैं कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से दिखता है। देखिए, पूरा मैंने बाउंड्री लगा दी इसके ऊपर, और बीच में बची है जगह 4 डॉट्स की। ये देखिए, पूरे 4 डॉट्स हैं। ये लेयर लगा दी। अब पार्ट टू में हमको चाहिए पूरे वाइट वाले पार्ट्स, जो कि है क्वांटिटी में 6 2x2 वाले ही। देखिए, इस तरीके वाले ये हमें चाहिए 6 टोटल, ठीक है। तो हम इसे लगाएंगे अलग तरीके से। अभी ये देखिए, इसमें किधर गैप है, इसमें इधर गैप है, ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में इधर गैप है। तो ये गैप को है ना, ये दोनों डॉट्स के लेके हम इसे बीच में लगाएंगे, ऐसे समझा ना आपको। ये अगर इधर ऐसे जॉइंट में इसके, इसे आपको ये जॉइंट है ना इसका, तो इसमें हम जॉइंट को फिल कर देंगे इस तरीके से, यानी कि जोड़ेंगे और मजबूत बनाएंगे उसको। इस तरीके से मजबूत बना दिया, तो इसे भी ऊपर लेयर लगाते जाना है हमें। इस तरीके से पूरे वाइट से लगा दी मैंने लेयर इसकी, इस तरीके से मैंने पूरी लेयर लगा दी। अब अंदर भी 4 डॉट्स की जगह बची है, तो और 2 लेयर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हमको चाहिए पार्ट 3। पार्ट 3 में हमको क्या करना है, फिर से 6 ब्लॉक्स लेने हैं, वो भी येलो वाले 2x2 वाले ही। तो इसको ऊपर फिर से लगाना है, और मैंने जैसे आपको बोला वैसे आपको गैप्स को इसके फिल करना है। तो मैंने गैप्स को इसे फिल कर दिया। अब आपको लगाते जाना है इस तरीके से। पूरी 3rd लेयर है हमारी ये, इसलिए इस तरीके से मैं अभी पूरी कंप्लीट कर देता हूँ लेयर। क्या कुछ चाहिए, तो ये पूरी 3rd लेयर कंप्लीट हो चुकी है। 3 लेयर हमने लगा लिए, ठीक है। तो बोलेगी, आप बोलोगे आपकी इसमें पॉपिट कहाँ है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब कमाल देखिए, अब मेरा भी कमाल। तो अभी हमारे 3 लेयर कंप्लीट हो गए ना, तो अभी हम करेंगे ये 2 ब्लॉक्स लेंगे, ये 4x2 वाले ब्लॉक्स है। ये देखिए देखिए, ये येलो वाला एक लिया मैंने, और एक वाइट वाला एक लिया, ठीक है। और आपको एक लेनी है एक स्प्रिंग। ये देखिए, ये मैंने एक स्प्रिंग ले ली। ये स्प्रिंग पेन में होती है, ये मैंने पेन वाले से निकाल के ले लिया ये स्प्रिंग, ठीक है। तो ये स्प्रिंग ले ली मैंने। तो अब क्या करना है, आपको येलो वाला ब्लॉक लेना है, इसको ऐसे आपको सीधे से उल्टा करना है। देखिए, उल्टे में ऐसे होता है, और आपको ये 4 वाले डॉट्स की जगह बची है ना इसके अंदर, इसमें इसको ऐसे डाल देना है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें अंदर, देखिए इसके अंदर चला गया ये येलो वाला ब्लॉक। तो अब क्या करना है, आपको स्प्रिंग लेनी है हमारी, ठीक है। स्प्रिंग ले ली मैंने, फिर आपको इसमें जो बड़ा डॉट दिख रहा है ना, वो बड़ा वाला डॉट, ये देखिए ये बड़ा वाला डॉट आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको इसमें डाल देना है। देखिए, बड़े वाले मैंने डॉट में स्प्रिंग फंसा दी है, देखिए इस तरीके से पूरी स्प्रिंग फंसा दी मैंने, इस तरीके से मैंने स्प्रिंग फंसा दी इसमें, बड़े डॉट में दिख रहा है ना आपको। अब इसको क्या करना है, आपको ये वाइट वाला फिर से लेना है ये ब्लॉक, और ये स्प्रिंग के ये बड़े होल में ना फिर से घुसा देना है इसको, आप जिसने आपको नीचे किया था ना वैसे ही सेम आपको। तो ये रेडी हो चुका है हमारा पॉपिट। देख लिया मैंने इसको पॉप किया, देख लिया पॉप हो रहा है ना, पॉप देख लिया हो रहा है ना, स्प्रिंग के बस हो रहा है। मैंने अभी दबाया, आएगा फिर से, देखो दबा दिया आएगा। इससे आप खेल सकते हो, ये देखिए सस्ता पॉपिट आप बोल सकते हो इसे, देख लिया कितना सिंपल है ये, आप घर पे बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आया, फिर से दबा आया।
इससे आप खेल सकते हो आपके प्ले टाइम में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉय बना सकते हैं आप घर पे ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ये यूज़फुल आइडिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।